खड़े डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह ने करया संबोधित कया भारत बण्यो दुनिया री सबसे तेजी रे साथ विकास करवा आली अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे केंद्र री योजनावां ने धीमी गति सु संचालित करवारो लगायो आरोप। कया राज्य सरकार आपरी योजनावां सु आवाई लूटबारो कर रही है काम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख से श्री स्वतंत्रता ने लेर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सु एक स्वर माए बोलबारी करी अर्ज। राज्यपाल कलराज मिश्र पत्रकार और मीडिया कर्मिया ने दीनी बधाई। हिंसाग्रस्त सूडान सु ऑपरेशन कावेरी रे तहत आबार ताई 3000 सु ज्यादा भारतीय रिस हुई स्वदेश वापसी। वापस लौटिया भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो जतायो आभार। अरे प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माथे आंधी अर बीरखारो दौर जारी। मौसम महकमा बीकानेर जयपुर कोटा अजमेर भरतपुर संभाग माए बारिश हो बारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबर माए था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूँ था के सागे नीतू थे देख रहा हूँ डीडी राजस्थान। अब खबर विस्तार सु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर रा एक दिन रा दौरा रे दौरान डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह ने संबोधित करया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति कया कह आज भारत दुनिया री सबसे तेजी रे साथे विकास करवा वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। वे कया कह महने भारतीय होबा माथे गर्व होनो चाहिए। फ्रेंड्स, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। What a rise in the global image of this country. India is president of G20, hosting G20 all over the country. Footfalls can be felt everywhere. Impact is being seen. This university is also a center for that. Friends, coming back to the occasion, convocation is a turning point, a milestone in the lives of students, their teachers, their parents. It is a fruit, hard-earned credentials, and that gives you a march, a leap into the wider outer world. This is a turning point. From here, from being a student of this great university, you will get the status of alumni. You have to play a very significant role to bring about societal change. Friends, you are starting your career at a time when competition is intense, opportunities are huge, and challenges are daunting. भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे आरोप लगाता थका कया के केंद्र सरकार कानी सुपोषित योजनावा सारू पीसा भेज पारे बावजूद प्रदेश री कांग्रेस सरकार केंद्र री योजनावा ने धीमी गति सु संचालित कर रही है। वे कया के राज्य सरकार आपरी योजनावा ने लेरवा वही लूटबारो काम कर रही है। पण कई सरकारियों बतावे ली कि केंद्र सरकारी योजनावा ने संचालित करबा खातर आया पीसा माए सु कितना जनता रा कल्याण माए लगावा रो काम करी है। राजस्थान सरकार अपनी वेलफेयर योजनाओं के लिए वाहवे लूटने का काम कर रही है, लेकिन क्या राजस्थान सरकार ये बताने का काम करेगी कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की योजनाओं को भेजा गया पैसा कितना राजस्थान की जनता के कल्याण में आप लगाने का काम कर रहे हो? आप ग्राम पंचायतों के अंदर टीएफसी का पैसा जो भारत सरकार भेजती है और 10 दिन के अंदर वो पैसा ग्राम पंचायतों में भेजने की नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्या आपने वो 2500 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों के अंदर भेज दिए? क्या राजस्थान की सरकार, चाहे स्वायत्त शासन विभाग हो, चाहे जल जीवन मिशन का पैसा हो, और चाहे मेडिकल क्षेत्र के अंदर पैसा जो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिया गया है, उस पैसे का क्या उपयोग उन्हीं मदों के अंदर किया जा रहा है? या राजस्थान सरकार अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने के लिए उस पैसे का उपयोग कर रही है?
ये बड़ा जांच का विषय है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश राजस्थान की सरकार कर रही है। राज्य सरकार का निशुल्क लगाया जा रहा महंगाई राहत कैंप माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वीडियो ने चला बारो मामलो तुल पकड़ तो जारी है। इन मामला माथे आज दौसारा पंचायत समिति कार्यालय माए भाजपा का निशु विरोध प्रदर्शन करो गयो जिन माए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रिया। इन मौके भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा दोषिया माथे कार्रवाई करबारी मांग करया। प्रथम तो ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं ये इस राजस्थान की जनता के साथ में छलावा हो रहा है। इन कैंपों को ही बंद किया जाए क्योंकि इसमें जनता का कोई भला नहीं हो रहा है और इन कैंपों के अंदर इस प्रकार से दूषित वातावरण बना करके देश के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री को और अपमानित किया जा रहा है। तो इसमें जिन लोगों ने भी इस प्रकार की कार्रवाई की है उन सारे के सारे लोगों को अपदस्थ करके कानूनी दंड दिया जाए ये मांग लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ रा प्रमुख प्रेस री स्वतंत्रता ने ले रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सु एक स्वर माए बोलबारो आग्रह करया। साथ ही वना पत्रकारा री नजरबंदी अरे कारावास ने रोकबारी अपील भी करया। वे कया के महा की स्वतंत्रता प्रेस री स्वतंत्रता माथे निर्भर है। में बोलने का आग्रह किया और अपना काम करने के लिए पत्रकारों की नजरबंदी और कारावास को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने में प्रेस पर हमले हो रहे हैं। गुतरेज ने रेखांकित किया कि हमारी सारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र और न्याय की नींव है। हर वर्ष 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में गुतरेज ने कहा कि विश्व प्रेस संवाद स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया को एक स्वर में बोलना चाहिए। पत्रकारों को उनके काम के लिए हिरासत में लेना और कैद करना बंद हो, झूठ और दुष्प्रचार बंद हो, सच बोलने वालों को निशाना बनाना बंद किया जाए। 2022 में कम से कम 67 मीडिया कर्मी अपना काम करते हुए मारे गए। राज्यपाल कलराज मिश्र विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस रो मौके सगला पत्रकारा अरे मीडिया कर्मिया ने बधाई अरे शुभकामनावा दीनी है। राज्यपाल आपरा शुभकामनावा संदेश माए कया के अभिव्यक्ति री स्वतंत्रता ही संवैधानिक अधिकार अरे मानव अधिकारा ने सुनिश्चित करबारो आधार है। वेण मौके मीडिया माध्यमा सु अभिव्यक्ति री स्वतंत्रता रा सजग प्रहरी रा रूप माए काम करबारो आह्वान करया है। केंद्र सरकार सगला राज्य अरे केंद्र शासित प्रदेशा ने सट्टाबाजी अरे जुआ रा आउटडोर विज्ञापन माथे अंकुश लगावा ने कयो है। वना प्रचार माथे नियंत्रण खातर उचित कदम उठावारो आग्रह करया है। सूचना अरे प्रसारण मंत्रालय रा सचिव अपूर्व चंद्र राज्य अरे केंद्र शासित प्रदेशा रा मुख्य सचिवा ने लिखा पत्र माए कया है के देश रा सगला हिस्सा माए सट्टाबाजी अरे जुआ अवैध मान्या जावे है। ऑनलाइन सट्टाबाजी अरे जुआ जसिया काम आउटडोर विज्ञापन रे जरिए कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन रे तेत ग्रामीण क्षेत्र माए जागरूकता लियावा रा उद्देश्य सु जोधपुर रा संभागीय आयुक्त अरे जिला कलेक्टर ई रिक्शा ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन मौके संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा कया के ई रिक्शा सु ठोस कचरा रा प्रबंधन ने सुव्यवस्थित करो जावे लो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज जोधपुर जिले में 15 ग्राम पंचायतों को ये ई रिक्शा वितरित किए जा रहे हैं। इसमें एक अच्छे पार्टनर के तौर पर ICICI बैंक वो अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उन्होंने अपने CSR फंड से इन 15 ग्राम पंचायतों को ये ई रिक्शा दिया है जिसमें से गीला और सूखा कचरा सारा कलेक्ट किया जाएगा और उसका प्रॉपर जगह पर डिस्पोजल किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायतों के यहाँ पर सरपंच साहिबान भी हैं और उनके साथ भी बैंक वालों की यहाँ काउंसलिंग हुई है और निश्चित रूप से ये पूरे ज़िले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आगे बढ़ाने में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इससे गांव वाले लोगों का एक माइंड सेट भी बदलेगा
कि हमको कचरे को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए और गांव को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने जिला परिषद को 15 ई व्हीकल जो है वो दिए हैं। बेसिकली इन ई व्हीकल का उद्देश्य है कि जो भी जिले में जितने भी गांव हैं वहाँ से हर घर से कचरा जो है वो संग्रहण करने में एक व्हीकल काम आएंगे हमारे। हमने इससे पहले नगर निगम नॉर्थ में भी 5 व्हीकल दिए हैं, इसके अलावा अभी नगर निगम साउथ में बहुत जल्द हम 5 गाड़ियाँ और देने वाले हैं जो कि शहर के लिए काम में आने वाली है। और ये सब जो है वो ICICI बैंक के तहत ICICI फाउंडेशन ने अपने CSR में इसको किया है, और आने वाले समय में भी हम इसी को और बढ़ावा देते हुए जितने भी और जिले में जितने गाँव बचे हैं उनमें भी इन व्हीकल का हम दान करें। प्रदेश राज संग्रहालय और स्मारक माथे जल्द ही ई टिकटिंग री सुविधा शुरू करी जावेली। जयपुर माए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग रा निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत बताया कि ई टिकटिंग रे शुरू होबा सु पर्यटका ने सुविधा मुहैया हो सकेली। वे बताया कि स्मारका ने देखवा खातर आवाला पर्यटक QR कोड और सगली तरह रा डिजिटल पेमेंट मोड रे जरिए टिकटिंग ले सकेला। राजस्थान के अंदर स्मारक और संग्रहालय हैं उन सभी के ऊपर जहां पर टिकटिंग लागू है उसको 100% ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है, और इसी सप्ताह आने वाले सप्ताह में इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये पूरा सॉफ्टवेयर और पूरा जो बनाया गया है ये राजस्थान के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बनाया गया है, और इसको जितने अभी टिकट बिकेगी उसके 2.5% शेयरिंग के आधार पर सरकार के अनुमोदन के पश्चात DOIT को ये कार्य दिया गया है। ये लागू हो गया है और इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि पर्यटक जिनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी के पास खुले पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं होता है, और QR कोड और UPI पेमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐप के माध्यम से, और ऑनलाइन आप बुक करवा सकते हैं। तो 100% इसको ऑनलाइन कन्वर्ट किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा सीधा सरकार के खाते में जाएगा ईग्रास के माध्यम से, और निश्चित रूप से रेवेन्यू में इजाफा होगा और पर्यटकों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी। समलैंगिक विवाह ने लेर चाल री सुनवाई रे बीच जयपुर माए आज महिला सामाजिक कार्यकर्ता विरोध जताया। अठे जयपुर कलेक्ट्रेट माए सामाजिक महिला कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर रे जरिए समलैंगिक विवाह ने भारतीय संस्कृति रे विरोध बताया। इन दौरान महिला कार्यकर्ता द्वारा प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त कलेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन सौंपियो। ज्ञापन माए बताया गयो है कि इन करियारा विवाह भारतीय विवाह संस्कार माथे आघात पुगावा वाला है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है समलैंगिक विवाह को लेकर, जिसकी 5 जजेस की बेंचेस है, और इस केस के हम खिलाफ यहाँ पर सारी महिलाएं खड़ी हुई है। ये जो महिलाएं आई हैं ये किसी भी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है, किसी भी संस्था से जुड़ी हुई नहीं है, ये बिल्कुल आम महिलाएं हैं। कोई किसी कॉलोनी से, कोई किसी अपार्टमेंट से, कोई किसी बस्ती से, कोई सेवा बस्ती में काम करने वाली ऐसी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई है, और इन सभी महिलाओं का ये कहना है कि ये कानून हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कानून हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, हमारी संस्कृति को एक आघात पहुंचा सकता है। बूंदीरा रामगढ़ अभ्यारण्य नेशनल टाइगर पार्क ने लेर वन विभाग रे साथे आम जनमाए भी घनो उत्साह दिखाई दे रही है। इन अभ्यारण्य माए कई भातरा वन्य जीव अरे सेव द टाइगर री थीम माथे पथरीली चट्टाना अर रामगढ़ अभ्यारण्य सु जुड़ी 4 दीवारी माथे पेंटिंग करवाई जा रही है। विभाग रो माननो है के पेंटिंग रे साथे कराया जा रिया दूजा नवाचारा सु बूंदी माए पर्यटन ने बढ़ावो मिले लो और आमजन ने रोजगार भी उपलब्ध होवे लो, और जो आने वाले पर्यटक हैं उनको जानकारी देने के उद्देश्य से और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हमने कुछ जगह चिन्हित की है, और हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब की भी शुरू से मंशा रही है कि जहाँ पर बूंदी से लोग एंटर करते हैं उस क्षेत्र में वन्य जीवों और वन्य जीव संरक्षण के संबंध में कोई चित्रकारी की जाए, और ये जो जगह अभी पेंटिंग कर रही है उन्हीं के द्वारा सुझाई गई थी, और उसी के पालन में हमने 3-4 जगह चयनित की हैं जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ पेंटिंग तैयार करवा रहे हैं। एक तो जैसे अभी आपने देखा कि जहाँ पे चट्टाने हैं वहाँ पे कर रहे हैं, एक जो बाईपास जो टनल जाती है जो कोटा रास्ता जाता है
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बूंदी नहीं सीधे आगे निकलते हैं कोटा झालावाड़, तो एक हमारा वहाँ भी एक योजना है कुछ पेंटिंग करने करवाने की। और एक जहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं जो हेरिटेज देखने आते हैं बूंदी की, बालचंद पाड़ा जो सिटी वाला एरिया, उसमें भी हमारी योजना है कुछ पेंटिंग कराने की। अब ये पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी है बनना बूंदी के चारों तरफ, जहाँ जहाँ बूंदी की एंट्री रहेगी वहाँ वहाँ ये बूंदी की पेंटिंग्स, टाइगर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, सारी पेंटिंग है। रणथंभौर से आर्टिस्ट आए हुए हैं जो ये पेंटिंगें बनाएंगे। इन पेंटिंगों के द्वारा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर विदेशों से जो टूरिस्ट आ रहा है बूंदी के अंदर, उनमें ये संदेश जाएगा कि बूंदी भी प्राकृतिक रूप से भरा पूरा है। और हमारे यहाँ रामगढ़ टाइगर रिजर्व करके एक नया टाइगर रिजर्व आया हुआ है, जिसके अंदर अभी 2 टाइगर हैं और आने वाले समय में 5 से 10 होने वाले हैं 1 से 2 साल में। स्पेशली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी हम इधर से निकलते हैं, पहले हमें ये पठार की तरह लगता था, लेकिन जब से अब ये यहाँ पे बूंदी रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य बना है, तब से ये पेंटिंग हुई है। हमें आते जाते मुझे प्रेरणा मिलती है कि वन्य जीवों का जो संरक्षण हो रहा है वो बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। यहाँ के पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टाइगर सेव द टाइगर पे काम कर रही है, जो टाइगरों को यहाँ पे हर जगह मतलब प्रचार प्रसार हो। विश्वधारी नेशनल पार्क को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए किया जा रहा है वन विभाग ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और यहाँ पर टाइगर, कई सारे पक्षी वगैरह सब यहाँ इसमें पार्क के अंदर हैं। प्रदेश में बीत्या 24 घंटा माए कोरोना रा 168 नया मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर माए सब सु 62 मरीज मिलिया है। काल 163 मरीज कोरोना सु स्वच्छ हुआ है। सक्रिय मामला री संख्या कम होर 2373 रहेगी है। हिंसाग्रस्त सूडान सु ऑपरेशन कावेरी रे तहत आबारताई 3072 भारतीय री स्वदेश वापसी हो चुकी है। काल 231 भारतीय नागरिक सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डा माथे पुग्या। सुरक्षित स्वदेश वापसी खातर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार व्यक्त करया है। राजस्थान री वीर विरागना वा रासो ईश्वरिया री गाथा ने चंदन री लकड़ी माथे नकासी रा रूप माए पेश करया है कमलेश जांगीड। कमलेश री कला देखकर थे भी दंग रह जावेला। पेश है एक रिपोर्ट। चंदन की लकड़ी पर बारीक और सुंदर नक्काशी के लिए विनोद कुमार जांगीड को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्हें राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार और हाल ही में शिल्प गुरु पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। विनोद कुमार जांगिड़ ने चंदन की लकड़ी का एक गुलदस्ता बनाया, जिस पर महाभारत के कई प्रसंग बारीकी से दर्शाए गए हैं। मैं चंदन की लकड़ी पे खुदाई का काम करता हूँ और मेरे को स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है और मेरा 2017 का शिल्प गुरु अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हूँ। और वो मेरे को मैंने एक सितार बनाया था, उसके ऊपर मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे को नेशनल अवार्ड, मैंने एक ये गुलदस्ता बनाया था तो इसके ऊपर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। मैंने इस गुलदस्ते के अंदर महाभारत के सीन बनाए हैं। विनोद कुमार जांगिड़ के पुत्र कमलेश कुमार जांगिड़ ने चंदन की लकड़ी पर महाराणा प्रताप की तलवार उकेरी और इस बारीक नक्काशी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कमलेश कुमार ने बताया कि चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकृतियां फोल्डिंग होती हैं। इस तलवार के अंदर मैंने महाराणा प्रताप की स्टोरी बनाई है, जिसके अंदर हल्दी घाटी का सीन हो गया, हाडी रानी का सीन हो गया, पन्ना धाई का हो गया, पद्मनी का जौहर हो गया, तो ऐसे इसके अंदर विंडोज मैंने ओपन किया और उनमें पूरी बनाई है तस्वीर। डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड और कई अवार्ड्स जीते हैं। विदेशों में मैंने इस कला का प्रदर्शन किया। नई चीज मैं ऐसी राजस्थान की महिला बनाना जा रहा हूँ जो 5 फीट की है, जिसके अंदर 35 से 40 विंडो ओपन होगी और उसमें भी वीर वीरांगनाओं की पूरी स्टोरी होगी। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना माथे आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चंबल री चिट्ठी ने आज जयपुर में लॉन्च करो गयो। इन मौके मैगसेस पुरस्कार विजेता अर वाटर मैन रे नाम सुविख्याता राजेंद्र सिंह बताया कि यह परियोजना राजस्थान खातर वरदान साबित हो सके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामनिवास मीना बताया कि यह फिल्म राजस्थान रा 13 जिला माए लोग और वो जो पानी का कहिए कि मुद्दा है, आंदोलन है या इसके इसकी स्वीकृति के बारे में जो काम किए जाएं उस पर पहले आम आदमी को ये समझ होनी चाहिए कि आखिर में मुद्दा है क्या। तो ये उसी क्रम में एक फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री ये बनाएगी। ERCP जो है वो एक राजस्थान के लिए नैतिक रूप में और न्यायिक रूप में एथिकली एंड जस्टिस की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा राजस्थान बड़ा राज्य है और जनसंख्या भी ज़्यादा है और भारत सरकार की जो जल नीति हैं उन सब का कहना है कि जल पर भारत के हर नागरिक का समान अधिकार है। तो समान अधिकार है तो फिर हमें जो हमारा पानी पर हक है वो हमें मिलना चाहिए। जहाँ अब जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ रहा है, धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, उस सब के समाधान दुनिया में यही है कि सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन हो, उससे हरियाली बढ़े, लोग खेती करें और ये जो खेती में जो जीवन है वो ही भारत के लिए सबसे सनातन विकास का रास्ता है। जयपुर शिवदासपुरा थाना क्षेत्र माए रिंग रोड रे कने तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होर पलट गई। हादसा माए कार सवार चार लोगा री मौत होगी और दो दूजा गंभीर रूप से घायल होगा। प्रदेश री ज्यादातर जगह माए आंधी और बारिश रो दौर जारी है। इनरे साथे ही कुछ हिस्सा माए तापमान माए बढ़ोतरी हुई है। मौसम महकमा रो जयपुर केंद्र आज बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग रा कुछ एक हिस्सा माए बारिश री गतिविधि जारी रह बारी संभावना जताई है। मौसम महकमा रे मुजब आंधी और बारिश री गतिविधिया आगामी 3-4 दिना जारी रह सकेली। 8 मई को एक और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा, तो कुल मिलाकर इन दोनों सिस्टम की वजह से राजस्थान में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान आंधी बारिश का दौर ज़्यादातर स्थानों पर देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से दोपहर के बाद थंडर एक्टिविटी, कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जो है वो आगामी सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा तापमान भी औसत से करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस फिलहाल नीचे दर्ज किए जा रहे हैं और अगले सप्ताह के दौरान तापमान औसत से नीचे ही रहेंगे। इसके बाद 8-9 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और तापमान में आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। और अब खास खबर एक बार फिर सुन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह ने करया संबोधित, कया भारत बन्यो दुनिया री सबसे तेज रे साथ विकास करबा आली अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे केंद्रीय योजनावा ने ले धीमी गति सु संचालित करबारो लगायो आरोप, कया राज्य सरकार आपरी योजनावा सुवाहवा ही लूटवारो कर रही है काम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख प्रेस री स्वतंत्रता ने लेर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सु एक सवर माए बोलबारी करी अर्ज, राज्यपाल कलराज मिश्र, पत्रकार और मीडिया कर्मिया ने दीनी बधाई। हिंसाग्रस्त सूडान सु ऑपरेशन कावेरी रे तेत अबारताई 3,000 सु ज्यादा भारतीय री हुई स्वदेशी वापसी, वापस लौटिया भारतीय लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो जतायो आभार। अरे प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माथे आंधी और बीरखा रो दौर जारी। मौसम महकमा बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग माए बारिश हो बारी जताई संभावना। राजस्थानी खबरा माया त्रोही नमस्कार।